हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 69th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कैलोरीज एक फंडामेंटल यूनिट है एनर्जी की। इस कैलोरीज यूनिट से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी फूड आइटम कितनी एनर्जी पैदा करेगा, जिससे हम अपने रेगुलर बॉडी फंक्शन और फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। सो बेसिकली किसी फूड आइटम को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट करके उसमें से उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर इसी एनर्जी को हमारा शरीर अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना और ब्रेन के न्यूरॉन फंक्शंस को परफॉर्म करने के काम में लाता है। साथ ही चलने, फिरने, भागने, दौड़ने और उठने बैठने के लिए इसी फ्यूल का इस्तेमाल करता है। तो किस फूड आइटम में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, ये डिसाइड होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। तो आइए समझते हैं जीरो कैलोरीज फूड को डिटेल में और जानते हैं कि आखिर कैसे कोई फूड आइटम एक जीरो कैलोरीज फूड भी हो सकता है। इसके अलावा कैसे ये जीरो कैलोरीज फूड हमारे वेट लॉस और डाइजेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो होने जा रही है 2 पार्ट्स में और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 जीरो कैलोरीज फूड आइटम जिसे अपने मील में इंक्लूड करके आप कर सकते हैं अपना वेट लॉस। अगर हम बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हर 1 ग्राम कार्ब या फैट में 9 कैलोरीज और प्रोटीन में लगभग 4 कैलोरीज तक एनर्जी होती है। इसलिए किसी भी फूड आइटम में इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स किस प्रोपोर्शन में अवेलेबल हैं, इससे उस फूड आइटम की कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड होगी। मसलन ज्यादा तला हुआ या हाई शुगरी फूड जैसे मिठाई, चॉकलेट और बर्गर, इन फूड आइटम में क्योंकि कार्ब्स और फैट की मात्रा ज्यादा है तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। वहीं एग व्हाइट, पनीर, वेजिटेबल्स एंड सैलेड, इन सभी में कार्ब्स या फैट की जगह प्रोटीन या फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है और इनको खाकर पेट भरा भरा भी लगता है। तभी तो पेट भर सैलेड्स और वेजेस खाकर भी आप बहुत कम और कभी कभी तो जीरो कैलोरीज का इंटेक करते हैं। कैसे हाई फाइबर और हाई प्रोटीन रिच फूड आपको फिट रख के वेट लॉस करने में हेल्प कर सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल्ड वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई आइकन में मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं आखिर ये जीरो कैलोरीज फूड आइटम क्या होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर फूड आइटम की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है विच डिपेंड्स ऑन इट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारा शरीर किसी भी खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में भी कुछ एनर्जी खर्च करता है। जब आप खाने को दांतों से चबाते हैं और उसे निगलते हैं, उसके बाद ये आपके पेट और इंटेस्टाइन में मौजूद एंजाइम्स द्वारा डाइजेस्ट होता है। इन सभी प्रोसेस को करने के लिए हमारे शरीर को कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, जिसे थर्मोजेनिक इफेक्ट कहा जाता है। मसलन अगर आप एक बर्गर खा रहे हैं और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 500 कैलोरीज और आपका शरीर उसे डाइजेस्ट करने में 100 कैलोरीज खर्च करता है, तो आपको उस बर्गर से जो नेट एनर्जी मिलेगी वो होगी 400 कैलोरीज। अब ये 400 कैलोरीज आपका शरीर आपके रेगुलर बॉडी फंक्शन और फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए खर्च करेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी उस दिन ना के बराबर है, तो आपका शरीर उस एक्स्ट्रा 400 कैलोरीज को बर्न ना करके सीधा आपके फैट रिजर्व में लेकर जाएगा और यही रीजन है आपके वेट गेन होने का। और अगर आप अपने पेट की चर्बी से परेशान हैं तो आपको मेरी स्पेशल वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे अब पिक्चर में आते हैं जीरो कैलोरीज फूड आइटम। एक्चुअली में देखा जाए तो प्रैक्टिकली कोई भी फूड आइटम जीरो कैलोरीज फूड आइटम नहीं होती। कुछ फूड आइटम को जीरो कैलोरीज फूड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इनकी जितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है तकरीबन उतनी ही कैलोरीज आपका शरीर उन्हें डाइजेस्ट करने में बर्न करता है। यानी अगर आप एक सेब या गाजर का इंटेक करते हैं तो आप 50 कैलोरीज तक कंज्यूम कर लेते हैं, वहीं आपका शरीर इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए 50 कैलोरीज या उससे भी ज्यादा कैलोरीज खर्च कर सकता है। अब क्योंकि ऐसे फूड आइटम का नेट कैलोरीज इंटेक जीरो है, इसलिए इन्हें जीरो कैलोरीज फूड आइटम भी कहा जाता है। आप ये भी जान लीजिए कि कुछ खाने वाली चीजों का थर्मोजेनिक इफेक्ट इतना ज्यादा होता है दैट दे इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव कैलोरीज फूड। यानी आपका शरीर इन्हें डाइजेस्ट करने में जितनी एनर्जी खर्च करता है, इनकी खुद की कैलोरीफिक वैल्यू उससे कहीं ज्यादा कम होती है। अब ये कमाल का आइडिया ही है कि आप कुछ ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो ना ही आपका पेट भर रहे हैं, बल्कि इनको खाने के प्रोसेस में आपका फैट और वेट भी कम हो रहा है। साथ ही ज्यादा
ज्यादातर ऐसे फूड आइटम में हाई फाइबर होने की वजह से ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करके हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके वेट लॉस के प्रोसेस को भी तेज करते हैं। अब आखिर कौन से हैं ये जीरो कैलोरीज फूड और इनको कैसे आप अपनी डाइट और मील प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो टॉपिक ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉप 10 जीरो कैलोरीज फूड आइटम दैट विल हेल्प यू रिड्यूस योर फैट इजिली। इसलिए पार्ट 2 को देखने के लिए आप मेक श्योर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल का आइकन, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं इस वीडियो का पार्ट 2 आप तक जरूर आए एक अलर्ट नोटिफिकेशन। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।